फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। नंबर दिया है 42.25। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम अंडर डिवीजन मेथड लिख लेते हैं 42.25। इसके अंदर जो आपको स्टेप याद रखना है वो है, फर्स्ट स्टेप है टू पेयर द नंबर। किस तरीके से हम पेयर करते हैं, अब आप ये देखिए, इसके अंदर डेसिमल से पहले जो नंबर पढ़ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, जो वंस और टेंस प्लेस पे हैं, उनको टुवर्ड्स लेफ्ट हम डेसिमल से पेयर करते हैं, एंड टुवर्ड्स राइट जो डेसिमल के नंबर हैं दैट इज 2 एंड 5, उसको टुवर्ड्स राइट पेयरिंग करनी शुरू करते हैं और दो नंबर्स, दो डिजिट्स का पेयर बनता है। नाउ स्टेप टू इज टू फाइंड माई डिवाइजर। आप देखिए डिवीजन साइन बना हुआ है, डिविडेंड है, बट डिवाइजर मिसिंग है। तो हमारा सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप डिवीजन के अंदर पेयर बनाने के बाद होता है डिवाइजर ढूंढना। अब डिवाइजर किस तरीके से ढूंढते हैं, हमें एक ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 42 हो या 42 से नियरेस्ट हो। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर 42 नहीं हो सकता, होल नंबर का स्क्वायर, क्योंकि 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके नियर अबाउट ढूंढ लेते हैं, जैसे 3 देख लीजिए, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। तो 49 तो एक्सीड कर गया, तो 6 इज द करेक्ट नंबर। 6 आप लिखिए डिवाइजर में, 6 आप लिखिए कोशेंट में, और इसके प्रोडक्ट को 36 उसको लिख दीजिए अंडर डिविडेंड। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा 6। नाउ माई स्टेप 3 इज टू गेट माई न्यू डिविडेंड। नया डिविडेंड चाहिए तो उसके लिए हमें इस नंबर को 25 को जो पेयर के अंदर है ड्रॉप डाउन करना है, नीचे लेके आना है, लेकिन इसके बीच में डेसिमल आ गया है। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को कोशेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये नंबर लिखा जाएगा 625। नाउ स्टेप 4 इज टू अगेन फाइंड द डिवाइजर फॉर दिस न्यू डिविडेंड। तो इसके लिए आपको पार्शियली पहले डिवाइजर मिलेगा, थोड़ा पार्ट मिलेगा, जो होगा द डबल ऑफ द कोशेंट। कोशेंट में जो नंबर लिखा है उसका डबल, और कोशेंट का जो नंबर लेना है उसके अंदर हमें डेसिमल कंसिडर नहीं करना है, सो वील ओनली टेक द नंबर 6। 6 का डबल हो गया 12, बट हमें अभी पार्शियली मिला है। पूरा डिवाइजर मिलने के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक्स लगाएंगे। अब ब्लैंक्स बहुत जगह लगे, कोशेंट में भी लगा है, डिवाइजर के अंदर भी लगा है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी लगा है। सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट इट हियर कि यहाँ पे एक ही डिजिट है जो सब जगह भरा जाएगा। अब क्योंकि इसका वंस डिजिट 5 है तो यहाँ पे हम ये गेस वर्क भी कर सकते हैं कि हो सकता है 125 मैच कर जाए, तो उसको हम रफ में चेक कर लेते हैं। 625 बिल्कुल मैच करता है, तो 125 इज बेसिकली माई डिवाइजर। बट जस्ट टू कीप इन माइंड कि मुझे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यू कैन हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग 5 बिलो दिस, ये गलत नहीं माना जाता। 125 इंटू 5 और 5 ही वही डिजिट कोशेंट में भी आएगा, तो प्रोडक्ट 625 हो गया। वंस यू सब्ट्रैक्ट यू गेट द रिमाइंडर एज 0। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द डेसिमल डिवीजन for finding the square root. So square root of 42.25 is 6.5. In fact, ये question fraction में convert करके भी हो सकता है। I can write the decimal number 42.25 as 4225 upon 100. So when we find the root of this number, जब मैं 42.25 का root निकालूंगी तो इक्विवेलेंटली ये फ्रैक्शनल नंबर का भी रूट निकल जाएगा। आप पूरे नंबर का तो रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि फ्रैक्शन है, तो ये इक्विवेलेंटली रूट साइन न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग सॉल्व हो सकता है। ये हम ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते, देयर इज अ रूल इन मैथ्स
where it says that under the root of a upon b is equal to under the root of a upon under the root of b. The same applies for multiplication, but the rule is not valid for addition and subtraction. So, ye wala rule hum use kar rahe hain. Now, when I am finding the root of 4225 and you are not doing the decimal division method for finding the square root, then it is important for you to find the square root of 4225 using division method in a separate line and then substitute it here. तो लेकिन हमको पता है कि हमने 42.25 का अभी रूट निकाला है 6.5, तो हम वो वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ इसी मेथड से कर रहे हैं तो आप डिवीजन मेथड से 4225 का रूट निकाल के दिखा देंगे. और रूट ऑफ 100 निकालने की जरूरत नहीं है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, इट इज 10. तो इसका आंसर आ जाएगा 6.5. सो बाय दिस मेथड आल्सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर. सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. If you have any query regarding this question, kindly post it in the comment section. Thank you. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.